मार्वल की फर्स्ट आर रेटेड फिल्म, इतने सालों बाद ह्यू जैकमैन का कमबैक एज वुल्वरीन, वो भी कॉमिक एक्यूरेट सूट में, और हमारे पूल भाई। तो ये सारे कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो तुम्हें इस मूवी को देखने के लिए मजबूर कर देगी। फाइनली द वेट इज ओवर एंड डेडपूल एंड वुल्वरीन इज रिलीज इन थिएटर्स। अब ये कितनी हाईली एंटीसिपेटेड मूवी है, इसका तुम इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि इंडिया में ही इसका प्री बुकिंग सेल 12 करोड़ से ऊपर हो गया है। तो क्या मार्वल जीसस इस बार मार्वल यूनिवर्स को बचा पाएंगे? इसके बारे में आगे बात करेंगे। उससे पहले अगर चैनल में नए हो तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना ताकि YouTube इसे और भी लोगों को रेकमेंड करे। अब यह मूवी मैंने ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में देखी क्योंकि यहाँ पर हिंदी डब अवेलेबल नहीं थी, बट हाँ इससे मूवी एक्सपीरियंस पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। बट हाँ, संकेत मात्रे के वॉइस के लिए इसे फिर से रिवॉच जरूर करना पड़ेगा। अब मूवी की स्टोरी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर तुमने ट्रेलर देखा होगा तो तुम्हें एक आइडिया भी लग चुका होगा। हमारे वेट भाई का यूनिवर्स ड्यू टू सम अननोन रीजंस खतरे में है और उसे बचाना होगा अपने यूनिवर्स को उस वुल्वरीन के हेल्प से, जो कि माना जाता है इस यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट वुल्वरीन। ट्रेलर में भी देखा होगा ना, इसके खंजर भी ठीक से बाहर नहीं आते। तो हाँ, हमारे करण अर्जुन अपने यूनिवर्स को बचा पाते हैं या नहीं एक साथ, इसके बारे में हमें आगे मूवी में पता चलता है। डायरेक्टर शॉन लीवाई ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है। उनकी मूवीज मैंने पहले भी देख रखी है, जैसे कि एडम प्रोजेक्ट या फिर फ्री गाय या फिर रियल स्टील, और उन्होंने पहले भी रायन रेनॉल्ड्स के साथ काम किया है। तो हाँ, यहाँ पर वो एक्टर डायरेक्टर की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। इसके अलावा मूवी का मेन हाईलाइट है रायन रेनॉल्ड्स यानी कि डेडपूल। अब जिनको नहीं पता, कॉमिक्स में डेडपूल को मर्क विद अ माउथ कहा जाता है, मतलब बड़ बोला, और यहाँ पर उस एस्पेक्ट को इतना ज्यादा दिखाया गया है ना, तुम बिलीव नहीं करोगे, मूवी में डेडपूल अपनी बातों से एक बंदे को मार देता है। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मूवी में जब ये मोमेंट आएगा तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, और जिसके साथ ये होगा he didn't deserve it though। और सिर्फ यही नहीं, डेडपूल ने तो मार्वल डिज्नी फॉक्स किसी को भी नहीं छोड़ा, इवन केविन फाइगी, सबको कॉमेडिक पंचेस मारे गए हैं। इसके अलावा फोर्थ वॉल ब्रेकिंग तो है ही, और वो बहुत ही ज्यादा मजेदार था। मूवी में बहुत सारे कैमियो है, तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे इतने सारे कैमियोस, मतलब एक टाइम के बाद तो मैंने काउंटिंग ही खत्म कर दी। इसके अलावा BGM और म्यूजिक मूवी में बहुत अच्छे से वर्क करती है। वो गाना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया जो पहले प्ले होता है मूवी के इंट्रो में, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। और इन सब के अलावा मूवी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है ना, वो मुझे लगा ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन। इससे पहले शायद उनको लोगन मूवी में लास्ट हमने वुल्वरीन प्ले करते हुए देखा था, मतलब टिपिकली वुल्वरीन नहीं बट लोगन प्ले करते हुए देखा था। यहाँ पर तो एकदम कॉमिक एक्यूरेट सूट में एकदम वुल्वरीन वाला फील आ जाता है। तो हाँ, फैंस के लिए तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी एक्सपीरियंस रहने वाला है। शायद डेडपूल के फैंस भी वुल्वरीन के फैंस ना बन जाए मूवी के एंड होते होते। स्पेशली 90s के बच्चे तो इससे बहुत ही ज्यादा रिलेट कर पाएंगे क्योंकि इतने सालों बाद वुल्वरीन के कैरेक्टर को एक प्रॉपर आर्क और एक प्रॉपर जस्टिस मिला है, जिसके लिए हम फैंस तरस गए थे। वही क्लासिक कॉमिक्स वाला जो वुल्वरीन है ना, जो बात बात पर गाली देता है और स्मोक करता है, वो तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, ब्रूटल है, और किसी भी बात पर तुम्हारे अंदर खंजर घुसा सकता है। और जब ये और हमारे वेट भाई एक साथ आते हैं तो दोनों का केमिस्ट्री और दोनों के बीच जो फाइट होता है वो देखने में इतना मजा आता है, क्योंकि दोनों के पास हीलिंग फैक्टर है, कोई एक दूसरे को मार नहीं सकता, तो ये फाइट एकदम एंडलेस फाइट बन जाती है। अब इतना ज्यादा अच्छा अच्छा बोल दिया तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी मुझे लगे, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मूवी की जो मेन विलन है यानी कि एमा कॉर्न की कैसेंड्रा नोवा, वो मुझे उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगा। अब देखो, इससे पहले मार्वल में बहुत ही बड़े बड़े विलन देख चुके हैं, अल्ट्रॉन, थैनोस, उनका लेवल सोचो, और यहाँ पर कैसेंड्रा नोवा उतना ज्यादा हाईलाइट नहीं होती। तो उस कैरेक्टर से हमें डर भी नहीं लगता, कोई सस्पेंस भी नहीं आता, बस वो कुछ सीन्स में है और फिर गायब हो जाती है और फिर सेंड में वापस आ जाती है। उसका कोई रियल मोटिवेशन या फिर इमोशन इन सब चीजों के पीछे वो कुछ अच्छे से नहीं दिखाया गया है, तो कैरेक्टर को एक प्रॉपर बिल्डअप नहीं मिलता। आई होप मार्वल इस कैरेक्टर को फ्यूचर में और भी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करेगा। इसके अलावा कुछ जगहों पर डेडपूल को भी होल्ड बैक किया गया है, ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन को एक मोमेंट देने के लिए डेडपूल बस वहां पर खड़ा है और बात किए जा रहा है, तो वो तुम्हें कुछ ऑड सा फील हो सकता है। एंड कैमियोस की तो बारिश होती है मूवी में, इतने ज्यादा कैमियोस की कोई जरूरत भी थी? ये तुम खुद से पूछोगे मूवी एंड होने के बाद। लिटरली 20 मिनट के अंदर अंदर कोई नया कैरेक्टर एकदम से स्क्रीन पे एंट्री मार देता है। और इसी नोट पे मैं ये कहना चाहूंगा कि मार्वल की इससे पहले वाली जो मूवीज होती है, मतलब एकदम पहले वाली जो मूवीज थी लाइक एवेंजर्स, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, वो वाली मूवीज में स्टोरी पे जितना ज्यादा फोकस किया जाता था, अब के मूवीज में उतना ज्यादा नहीं किया जाता। अब जस्ट फैन सर्विस और नॉस्टैल्जिया को यूज करके हम ऑडियंस को हॉल में लाया जाता है, बट वी वॉन्ट समथिंग मोर देन दैट। आई थिंक अगर राइटर्स की कमी है
तो कॉमिक्स का यूज करके उन स्टोरीज को अडेप्ट करना चाहिए मूवीज में, क्योंकि दे हैव सम रियली गुड स्टोरी लाइन्स इन कॉमिक्स। और यहाँ मैं सिर्फ डेडपूल की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी कैरेक्टर्स के साथ भी इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करना चाहिए। सो टू सम इट अप, डेडपूल एंड वुल्वरीन एक बहुत ही अच्छी मूवी है जो तुम्हें एक नॉस्टैल्जिया की हिट बैक देगी और प्रॉपर रोमांस देखने को मिलेगा तुम्हें इस मूवी में। जो भी डेडपूल के फैंस है और वुल्वरीन के भी फैंस है उनके लिए तो मूवी इज अ ग्रेट ट्रीट टू वॉच। अब पिछले कुछ मार्वल मूवी से ये तो बहुत ही अच्छी मूवी है, जाकर जरूर देखना थिएटर्स में और दोस्तों के साथ जाकर दे सकते हो। बट हाँ, आर रेटिंग है तो बच्चों को अगर ना ही लेके जाओ तो अच्छा है, गोर और वायलेंस भर भर के है मूवी में। तो तुमने अगर मूवी देख ली तो कैसी लगी कॉमेंट्स में हमें जरूर बताना, अगर नहीं देखी तो देखने जाने का प्लान कर रहे हो या नहीं ये भी हमें कॉमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, पीस आउट। आई विश मार्वल टेक्स ओवर द फॉक्स एक्समैन यूनिवर्स और इसके बाद हमें एक प्रॉपर एक्समैन मूवी देखने को मिले जो एंड गेम का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दे।